हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, यानी डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 1.2। तो सबसे पहले कहना चाहते हैं आप लोग को, आज जो है सब्सक्राइबर मेरा 257 हो गया, बहुत खुशी की बात है। 250 क्रॉस हो गया, 257 हो गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम एक्सरसाइज 1.2 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, पहले हम बात करते हैं नंबर लाइन होता क्या है। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुआ, नंबर और लाइन, है ना। नंबर लाइन, सिंपल सी बात है, किसी नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट करना ही नंबर लाइन कहलाता है। और इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये है, अगर आपका जीरो है, जैसे मतलब मान लो यहाँ जीरो है, तो जीरो से ये आपका लाइन हो गया। जीरो से हम अगर इधर आएंगे, यानी जीरो से हम क्या इधर चलेंगे तो क्या हुआ, सब प्लस। हम क्या हुआ जीरो से, यानी जीरो से राइट साइड की तरफ चलेंगे, सारा नंबर किसमें आएगा, प्लस में, यानी पॉजिटिव में आएगा। और जीरो से हम इधर आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे, सारा नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। क्या हम बताएं, जीरो से राइट साइड जितना नंबर आएगा सब प्लस में आएगा, जीरो से लेफ्ट साइड जितना नंबर आएगा सबके सब माइनस में आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, और जो भी नंबर रिप्रेजेंट रेशनल नंबर करना पड़ता है, रेशनल नंबर दो तरह का होता है, या तो वो रेशनल नंबर वन से ज्यादा होगा या उसका वैल्यू वन से कम होगा। जैसे एक नंबर लेते हैं, इसका वैल्यू जैसे 1/3 ले लिए और एक ले लिए 5/2 ले लिए, ये दोनों में डिफरेंस है। 1/3 मतलब क्या होता है, ये इसका वैल्यू एक से कम है। 1/3 की वैल्यू क्या है, 1/3 का वैल्यू क्या है, एक से क्या है, कम है, लेस देन वन। और 5/2 की वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि किसके किसके बीच में हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए, हम दो तरह के नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। एक तो आपको रेशनल नंबर वैसा मिलेगा जिसका वैल्यू एक से क्या हो, कम हो। यानी कैसे जाने वैल्यू एक से कम हो, यानी किसी भी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या हो, अगर बड़ा किससे हो, न्यूमरेटर से, किससे हो, न्यूमरेटर से बड़ा हो, यानी किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा हो, तो समझ जाना उसका वैल्यू हमेशा क्या, वैल्यू इसका हमेशा रेशनल नंबर का लेस देन वन। हमें इसका वैल्यू कितना आता है, लेस देन वन आता है इसका वैल्यू। हम क्या बात किए, ध्यान दे प्लीज, इधर ध्यान दे। तो सबसे पहले हम ये बात किए, अगर किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर से ज्यादा हो क्या, डिनोमिनेटर, यानी क्या हो, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो उस केस में क्या होता है, उस रेशनल नंबर की वैल्यू क्या होता है, एक से कम आता है, ठीक है। दूसरी केस हम इसका बात करते हैं, अगर किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर ज्यादा किससे हो, डिनोमिनेटर से हो, तो इसका वैल्यू हमेशा कहता है एक से ज्यादा, तो वैल्यू इसे क्या आएगा, वैल्यू मोर देन वन, इसका वैल्यू आएगा मोर देन वन, ठीक है। क्योंकि हमें तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, क्योंकि हम होल नंबर ड्रॉ करना क्लास 6 में 5 में ये सब सीख चुके हैं। अब ये मेन है कि रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, तो दो बात आपको जरूर मालूम होना चाहिए। पहली बात ये कि रेशनल नंबर वैसा रेशनल नंबर जिसका वैल्यू एक से कम हो, और वैसा रेशनल नंबर जिसका एक से ज्यादा वैल्यू हो। चलिए दोनों समझ गए हम, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन मेरे पास है 7/4 और दूसरा है -5/6।
बहुत आसान है। तो हम देखते हैं दोनों की वैल्यू क्या है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो रेशनल नंबर है पहला क्या है, इसका वैल्यू है एक से ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ ज्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर कम है, यानी अंश ज्यादा है हर कम है। तो इस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एक से ज्यादा आएगा। यहां बनाते हैं हम सोल्यूशन करके, 7/4 का वैल्यू कितना होगा, 7/4 क्या, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। कभी भी ऐसा रेशनल नंबर मिले जो 1 से ज्यादा हो, उस केस में क्या करना, पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन हम लेते हैं ये, जैसे मान लो हमने लिया 3/4, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लिए, 3/4 है। तो 3/4 में हमने क्या देखा, 3/4 यानी इसका वैल्यू क्या, एक से कम है, या न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये करेंगे, इसका वैल्यू एक से कम है, यानी इसका जो आएगा नंबर लाइन आएगा, नंबर लाइन किस, सॉरी, ये 3/4 कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये 1 से कम है। तो सबसे पहले ये मालूम भी आपको माइंड में आना चाहिए कि नंबर किसके किसके बीच में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3/4 क्या है, एक से कम है, एक से कम है, तो इसका मतलब इसको 0 और 1 के बीच में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो यहाँ 0 और 1 को एक स्केल ले लिए हम, 0 1 का हम, ठीक है, ये 0 इसको 1 मान लिए। अब मेन बात जो नीचे में 4 है, ये नीचे में 4 है, इसका मतलब इसे 4 टुकड़ा में से बांटना है, इस नंबर लाइन को 4 टुकड़ा में बांटना हो, यानी जितना इसका डिनोमिनेटर हो उतना टुकड़ा में से बांटना है, यानी इसे 4 पार्ट में बांटना है। बांट लो, सेम पार्ट होना चाहिए, 1, 2 और 3, चौथा खुद ब खुद हो गया, चौथा क्या, खुद ब खुद ये हो गया। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 0 और 1 के बीच में जो आपका, जब जो आपका डिनोमिनेटर हो उतना पार्ट में से बांट लेना है। अब ऊपर है 3, यानी हमें चलना है 3 स्टेप चलना है, यानी 3 कदम चलना है, 3 कदम चलिए, 1 स्टेप, दूसरा स्टेप, ये 3रा स्टेप, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4। कोई दिक्कत, कितना आसान था। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए नंबर किसके किसके बीच में रिप्रेजेंट करना है। तो हमको मालूम हो गया 3/4 एक से कम है, तो एक से कम कोई नंबर 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट उसे कर सकते हैं हम। तो इसे हम क्या कर दिए, देख लिए क्या, ये नीचे 4 है, इसका मतलब 0 और 1 को 4 टुकड़ा में बांटना है, 4 टुकड़ा में बांटने में तो ऊपर जो 3 है, मतलब 3 स्टेप हमें चलना है, 3 स्टेप मतलब 1 स्टेप, दूसरा स्टेप, 3रा स्टेप। तो यही जो 3/4 हो गया, क्या हो गया आपका, 3/4 हो गया, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता 5/7, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, इस केस में इसका वैल्यू एक से कम आएगा, एक से कम वैल्यू आएगा। तो एक से कम वैल्यू आएगा तो कहां नंबर लेने जाएगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो यहां क्या, 7 है, नीचे 7 है, इसे 7 पार्ट बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 हो गया ना, 7 पार्ट हो गया, 1 2 एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हो गया 7 पार्ट में हो गया। अब क्या, ऊपर है 5, ऊपर अगर 5 है तो 5 स्टेप चलना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5, और ये आपका आ जाएगा 5/7, बात खत्म। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये हम एग्जांपल ले लिए हम। तो यहाँ क्वेश्चन में रखे 7/4, 7/4 क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 से क्या है, ज्यादा है। इस केस में पहले 7/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे, इसको हम 7/4 को हम लिख सकते हैं 4 1 4 3, है ना, मिक्स फ्रैक्शन बदलना आना चाहिए आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 4 को डिवाइड करना किससे, 7 से करना है, तो 4 1 4, ये 3 हो गया। तो हम क्या देखें, यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ नीचे क्या आता, नीचे आता आपका, नीचे हमेशा आपका क्या आता है, डिवाइजर आता है, डिवाइजर आता है, और यहाँ पे क्या आता है, क्वेशेंट आता है, और ऊपर कौन आता है, रिमाइंडर आता है। इसे हम बदल लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या बदल लिए इसे हम, इसे हम बदल लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा 1/3/4 हो गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1+3/4, 1+3/4, ये तो 1 ये कंप्लीट हो गया, और ये क्या है, ये एक से कम है, ये क्या है, एक से कम है, यानी 1 जो है
एक तो वन कंप्लीट हो गया और ये क्या है वन से कम है, मतलब इसको अगर ऐसे करें वन पॉइंट, इसे अगर हम इसे डेसिमल में लाना चाहें तो कितना आ जाएगा, 3 0.47 था 28 0.75, कितना आ गया 0.75, यानी मेरे पास ये आ गया 1.75। यानी इससे साबित होता है ये जो नंबर लाइन आएगा ये वन और टू के बीच में आएगा, ये जो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे सेवन बाय फोर किसके बीच में आएगा, वन और टू के बीच में। पहले सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए ये नंबर किसके किसके बीच में लाइक करेगा, हमको इतना नहीं करने को जरूरत भी नहीं था, हम आपको दिखाने के लिए इतना कर दिए। हमको यहां से भी समझ में आ गया ये वन और ये वन से कम, फिर वन और वन से कम कभी भी ऐड करेंगे दो से कम ही होगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर वन हो और वन से कम नंबर को ऐड करेंगे वो नंबर दो से कम आएगा, तो हमको इतना करने को जरूरत भी नहीं था, हमको यहां से काम है हमारा यहां से हो जाता है। तो हम देख लिए नंबर क्या आ रहा, वन और टू के बीच में आएगा, 1.75 वन और टू के बीच में आएगा। तो हम एक नंबर लेंगे, नंबर ले लेंगे, ये आपका वन हो गया और ये आप क्या लिया टू ले लिया, वन और टू के बीच में लिखना, ये तो वन कंप्लीट इधर हो ही गया। अब मेन हमको दिखाना है वन और टू के बीच में दिखाना है, तो ये आपका वन कंप्लीट यहां हो गया। अब आपको मेन दिखाना किसको, इसको 3/4 को, ये एक से कम है 3/4, नीचे फोर है, नीचे फोर है मतलब इसे फोर टुकड़ा करना है, एक दो तीन चार खुद बखुद हो गया, चलिए इसे छोटा कर लेते हैं, है ना, ये फोर खुद बखुद हो गया। बस अगर किसी को करना है चार टुकड़ा तो यहां पे तीन करेंगे खुद बखुद चौथा हो जाता है ना, ऐसे एक दो तीन चार खुद बखुद हो गया। तो यहां पे हमने क्या किया, नंबर ले लिया, क्या लिया वन और टू के बीच में, वन और टू लिए और इसे करना है चार टुकड़ा, वन टू थ्री, ये चार खुद हो गया। अब देखते हैं हम यहां पे क्या हो गया, यहां वन आपका कंप्लीट हो गया 3/4 मतलब हमें चलना है तीन स्टेप चलना है, तो एक स्टेप दूसरा स्टेप ये तीसरा स्टेप 3/4, ये आपका हो जाएगा 3/4 स्टेप आ गया, ठीक है। 3/4 हमको नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हमें यहां लिखना है 7/4, क्या लिखना है, ये आपका हो गया 7/4, 1 + 3/4 कितना हो गया 7/4, सिंपल देख ले आप यहां बना लें, 1 + 3/4 कितना हो गया, ऐड करें 4 + 3 कितना हो गया 7/4, यानी 1 में हम क्या किए 3/4 हम ऐड कर दिए, कितना यहां आ गया 7/4 आ गया, ठीक है। यानी वो नंबर क्या है 1 और 2 के बीच में क्या आ गया 7/4, और 7/4 नंबर क्या है 2 से कम है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बस आपको ये मालूम करना है किसके किसके बीच में नंबर आएगा। नंबर दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, दो वाला -5/6, ये तो सिंपल दिख रहा है, ये क्या है, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू क्या है -1 से क्या है, ये वैल्यू देखिए -1 से क्या है, ये -1 क्या है, ये ज्यादा है ना, -1 क्या ज्यादा है, ठीक है। अगर इसे माइनस हटा दें तो ये साफ दिखता है वैल्यू 1 से क्या है कम है, अगर है माइनस हटा दें ये दिखता है वैल्यू 1 से कम है, यानी इसका वैल्यू जो आएगा ये 0 और -1 के बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा। अब कैसे इसे करें सॉल्व देखते हैं, अब 0 इधर लिखेंगे क्योंकि हमको इधर चलना है माइनस में चलना, और ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये आपका -1 हो गया। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, कितना है 6 है, इसे 6 स्टेप में तोड़ना है, 3 6 टुकड़ा 1 2 3 4 5, ये 6 खुद हो गया। अब देखते हैं यहां पे क्या हो गया आपका, यहां पे आपका हो गया, यहां पे देखते हैं 1/6 2/6 कितना 5 स्टेप चलना है, तो 1 2 3 4 5 -5/6, ठीक है, ये आपका हो गया -5/6, कोई दिक्कत। हमें नंबर क्या करना, हमेशा याद रखिए ये क्या होता है, ये नंबर जितना भी इधर नंबर है, इधर जो भी नंबर है वो वंस -1 से क्या है ज्यादा है, क्योंकि -1 क्या होता है, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो इतना क्या होता है छोटा होता है, तो ये सब क्या है 0 भी क्या है -1 से क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो माइनस हम कैसे ग्राफ हम खींचे यहाँ पे, सॉरी कैसे नंबर रिप्रेजेंट कर पाए हम, तो सबसे पहले हम ये देखें वैल्यू क्या आ रहा, माइनस हटा के देखो ये वैल्यू 1 से कम आ रहा,
इसका मतलब ये आएगा जीरो और वन के बीच में ग्राफ आएगा इसका, जीरो और वन के बीच में, लेकिन किसमें माइनस वाला लेना पड़ेगा, तो जीरो इधर लेंगे माइनस वन इधर लेंगे। आपको हम बता चुके हैं जीरो से क्या होता है, जीरो से इधर में क्या होता है पॉजिटिव होता है, जीरो से इधर में क्या होता है निगेटिव होता है, तो हमें चलना किधर निगेटिव में चलना है, इसलिए हमने जीरो इधर लिया और हम इधर स्टेप चल रहे हैं। तो पहले हम क्या कहें जीरो और माइनस वन के बीच में नंबर आएगा, ठीक है, तो नीचे कितना है छः है, मतलब इसे छः टुकड़ा में बांटना है, तो छः पार्ट में हमने बांट दिया, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स पार्ट हो गया इसका। सिक्स पार्ट होने के बाद ऊपर कितना है फाइव, यानी हमें चलना है फाइव स्टेप, यानी फाइव स्टेप हमें चलना है, चल लो वन स्टेप टू थ्री फोर फाइव, ये आपका कितना है माइनस फाइव बाई सिक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा माइनस सिक्स बाई सिक्स, माइनस सिक्स बाई सिक्स मतलब क्या माइनस वन, ठीक है ना, क्लियर हो गया माइंड, मतलब कॉन्सेप्ट माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए क्वेश्चन नंबर वन टू अगला बोल रहा क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द नंबर लाइंस, फिर भी वही है, रिप्रेजेंट दीज, क्वेश्चन नंबर टू भी यही है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइंस, क्वेश्चन नंबर, अच्छा रिप्रेजेंट एक लाइंस है ना, रिप्रेजेंट माइनस टू बाय एलेवन कोमा माइनस फाइव बाय एलेवन कोमा माइनस नाइन बाय एलेवन ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे दिखाना है, कोई बात नहीं, ये सब नंबर क्या है हम साफ दिख रहे हैं, अगर इसको माइनस हटा के देखो ये नंबर क्या है एक से कम है, ये नंबर क्या एक से कम है, मतलब ग्राफ क्या जीरो और वन के बीच में, यहां किसे ग्राफ आएगा जीरो और माइनस वन के बीच में, जीरो और माइनस वन के बीच में, ठीक है कोई दिक्कत, ये सब माइनस हटा के देख लो, तो टू बाय एलेवन क्या है, टू बाय एलेवन नंबर क्या है नीचे, नीचे क्या है नीचे का नंबर ऊपर से क्या ज्यादा है, यानी क्या यहां पे है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इस केस में क्या आता है इसका वैल्यू वन से कम आता है, तो वन से कम आता है तो ग्राफ हमेशा जीरो और वन के बीच में आएगा, माइनस लगा हुआ इसलिए ग्राफ आएगा जीरो और माइनस वन के बीच में आएगा। तो यहाँ पे कितना है इलेवन नीचे सबका है, मतलब इसे बांटना है इलेवन पार्ट बांटना है, बांट लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ नौ दस और ये इलेवन हो गया, ठीक है अब देखते हैं ये क्या आ गया मेरा मेरा माइनस वन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन, तो एलेवन पार्ट में हमने इसे बांट लिया। अब देखना है कितना कितना स्टेप चलना है, तो पहला हम चलना है दो स्टेप चलना है, कितना हो गया वन और टू, ये मेरा हो गया माइनस टू बाय एलेवन, ये दूसरा चलना हमें फाइव स्टेप, तो यहाँ टू हो गया थ्री फोर फाइव, ये आपका हो गया माइनस फाइव बाय एलेवन, तीसरा चलना नाइन बाय एलेवन, तो फाइव यहां तो हो गया सिक्स सेवन एट नाइन, ये आपका हो गया माइनस नाइन बाय एलेवन, और आगे क्या हुआ टेन बाय एलेवन और ये एलेवन बाय एलेवन यानी माइनस वन। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, राइट फाइव रेशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन टू, लोला वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राइट फाइव रेशनल नंबर Which is less than टू, दो क्या भाई इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री बोला राइट फाइव रेशनल नंबर, राइट फाइव रेशनल नंबर, राइट फाइव रेशनल नंबर्स विच आर smaller than टू, बोला दो से कम क्या करो फाइव रेशनल नंबर लिखो, कितना आसान क्वेश्चन है लिख लो, दो से कम क्या हो सकता है सॉल्यूशन लिख लो, एक तो जीरो लिख लो, 1.1 लिख लो, 1.2 लिख लो, 1.3 लिख लो, 1.4,
1.5 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, चलो फोर्थ उसमें तो हो गया। ये सब नंबर क्या है, 5 से 2 से कम है, बहुत सारा हो सकता था। और ज़्यादा लिखना है 1.01, 1.02, और ज़्यादा लिखना है 1.0001 करो। ये सब क्या है, वन और टू के मतलब ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर क्या है टू से ज़्यादा है, टू से कम है, वन से ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी भी नंबर से पहले हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर कोई बोले माइनस वन से छोटा लिखो रेशनल नंबर, 10 वो लिखो, कुछ बात नहीं, माइनस में चल जाओ कोई बात नहीं, माइनस वन क्या, माइनस वन से क्या छोटा लिखना है, तो बहुत सारा इससे पहले हो सकता है, ठीक है। माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस, ये सब क्या है, माइनस वन से कम ही है। तो किसी भी नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन किया था हमसे कि सिर्फ दो से कम होना चाहिए और आपको लिखना है 5 रेशनल नंबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। अब ये था मजेदार क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 10, फाइंड 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस 2/5 एंड 1/2। 2/5 और 1/2 के बीच में लिखना है आपको 10 रेशनल नंबर, कुछ नहीं। आपको अगर फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट आपने सीखा होगा तो ये मजेदार बन जाता है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले ये 5 और 2 का एलसीएम देना पड़ेगा। पहले वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 5 एंड 2। पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 और 2 क्या होता है, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 × 2, दोनों को रिलेशन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ गया 10 आ गया। अब 10 से हमें यह मालूम पड़ता है कि आपका जो इसका डिनोमिनेटर है दोनों को 10 करना है ना। अब इसका मतलब हुआ दोनों का हमको डिनोमिनेटर क्या करना है, 10 करना है, तो कर दो माइनस 2/5 को क्या करो, माइनस 2/5 और तुम इंटू कर दो किससे, 2 से, तो ये 10 हो गया। अब इंटू अगर तुम नीचे किए हो तो ऊपर भी 2 से इंटू करना है, ये कितना आ गया, माइनस 4/10 ये आ गया। अरे बात समझ में, अगर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नंबर तो माइनस 2/5 है, अगर 1/2 को आपको लिखना है तो 1/2 को आप लिख सकते हो इंटू 5 और फिर नीचे भी इंटू 5, तो फिर कट के क्या हुआ, यही बात यहाँ पे आ जाएगा। मैथ की कहानी आपको बताया, मैथ ये चाहता है उसके साथ मतलब जो है मतलब इसका यूज़ करो, तुम मैथ का यूज़ करके अलग अलग क्वेश्चन बनाओ, लेकिन मैथ ये बोलता हम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम मेरा इक्विवेलेंट माइनस 2/5 को तुम लिख रहा है तो हर एक केस में अगर कैंसिल आउट करें तो फिर 2/5 ही आना चाहिए। आप देख लो, कैंसिल आउट कर दो तो फिर 2/5 आ जाएगा, माइनस 2/5 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या किया, इसका एलसीएम लिए, एलसीएम से हमें यह मालूम हो गया इसका जो डिनोमिनेटर इसका जो है उसे करना है 10 करना है, तो हमने 10 कर दिया। अब अगला 1/2 है, 1/2 क्या करेंगे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया 5/10। तो देखते इसके बीच में जो है रेशनल नंबर 10 बोल रहा, 9 आ पाएगा ना, 10 नहीं आ पाएगा। अगर लिखना हम चाहें तो ये होगा -3/10, -2/10, -1/10 है ना, फिर क्या आएगा 0/10, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 और ये 5/10 तो लिखना ही नहीं क्योंकि बीच बोला, उसने बोला बीच नंबर लिखना है, किसका, -2/5 और 1/2 का, तो 1/2 मेरा क्या है, यही तो 1/2 है। और देख रहे हैं इस, अब आगे इसका नहीं लिख सकते हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही हो पाया, कोई बात नहीं। अगर ऐसा केस आ जाए, आपने इक्वल किया दोनों का डिनोमिनेटर, इक्वल किया क्या किया दोनों, क्या किया दोनों का डिनोमिनेटर आपने इक्वल किया, इक्वल करने बाद क्या मिल रहा आपका, इक्वल करने बाद आपको कम रेशनल नंबर मिल रहा, उसने बोला 10 निकालना है लेकिन आपको 8 ही मिल रहा, तो इस केस में आप फिर इसे बढ़ा सकते, कोई बात ना है। अब लिख लिया आप -4/10 को, हाँ लिखते हैं आप लिख ले -4/10 को, आप लिख ले क्या,
मतलब मान लो तुमको जिससे करना है मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं 10 से करूँ तो 10/10 तो -40/100 हो गया इसका। और इसे भी आगे हम बढ़ा देते हैं, इसको 5/10 को 10 से नीचे 10 से ऊपर, ये आगे मेरा 50/10 100 आ गया। अब देखो इसके बीच में जितना लिखना है तुम लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम ये आएगा -10 यहाँ दिख रहा है, देखो 10 डेसिमल नंबर बिटवीन क्या -2/5 एंड 1/2 आर कितना हो जाएगा -39/100 -38/100 -37/100 -36/100 -35/100 नहीं दिख रहा, कोई बोला नहीं। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते, चलो यहाँ लिखते हैं, है ना। तो यहाँ होगा -39/100 -38/100 -37/100 -36/100 -35/100 -34/100 -33/100 -32/100 -31/100 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और -30/100 देख रहे हैं ना। अभी और आगे बढ़ सकते हैं, अभी तो माइनस में चल रहे, फिर प्लस में आएंगे, फिर मतलब इसके बीच मतलब 90 मोर देन 90 रेशनल नंबर में आराम से लिख सकते थे। और आपको बढ़ाना और बढ़ा सकते हैं आप, आपको मन है सर ऐसे करते हैं, -4/10 है तो नीचे 500 × ऊपर ही 500 × यहाँ भी 500 × ऊपर 500 × कोई दिक्कत नहीं। फिर आप, हम बोले ना किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर लेकिन होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको एलसीएम लेकर आपको ये कर देना, दोनों क्या करना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना। डिनोमिनेटर सेम करने से ये होगा, फिर आपको अगर बढ़ाना है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें पहला नंबर का, फिर दूसरे नंबर को उसी तरह सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। और इसके बीच में आपको जितना चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, सबसे अच्छा मेथड है। एक डिवीजन मेथड होता है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, बहुत अच्छा नहीं लगता, वो सबसे, ये सबसे अच्छा मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है, सॉरी 4 हो चुका है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन वही है, क्या बोला फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है सॉरी 2/3 एंड 4/5 निकालते, पहले पहला सॉल्व करते, ठीक है। सॉल्व इसे कैसे करेंगे, आसान तरीका, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है, 3 और 5 एलसीएम 15 से हमें यह मालूम हो गया कि दोनों का डिनोमिनेटर हमको 15 करना है। लिख दो उसको, 2/3 किससे मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएगा, तो मालूम है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर वही मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 10/15 है ना। और यहाँ देखते अगला नंबर क्या, 4/5। अब ये 4/5 है, नीचे किससे मल्टीप्लाई करें जो 15 हो जाए, तो आप बोलेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, ये हो गया आपका 12/15। लेकिन क्या देख रहे हैं, इसके बीच मात्र हमें 1 मिल रहा है, इसके बीच मात्र हमको 11 और 15 मिला है। उसने क्या बोला, इसने बोला हमें कितना 5 बोला, कोई बात ना हम बढ़ा देंगे इसको। नाउ ये 10/15 को हम क्या करते हैं, मतलब मान लो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे मल्टीप्लाई, ये मेरा 100/150। और यहां भी 10 से मल्टीप्लाई नीचे, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर, ये कितना हो गया 120/150। अब देख ले इसके बीच आप 19 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हेंस
फाइव रेशनल नंबर बिटवीन टू बाय थ्री एंड फोर बाय फाइव आर। ये दरअसल ये क्या है, ये आपका टू बाय थ्री ही है, कैंसिल आउट करो फिर आपको टू बाय थ्री मिल जाएगा। ये क्या इक्विवेलेंट है, क्या कभी कभी क्या होता है ना, ये जो इक्विवेलेंट मतलब कि आपको आदमी देखने में आपको लग रहा है, जैसे मतलब मान लो हम कोट वोट पहन लिए हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, चश्मा और पहन लें, बाइक पर चल रहे, तो कभी कभी लोग को नजर धोखा खा जाता है, पता नहीं ये सर है कि कोई और है, तो देखते जब आ गया अच्छे सर आप ही हैं ना, रूप बदल लिए आप, पूरा अपना चेंज हो गए, तो ये नंबर जो है ये अपना मेकअप कर लिया और कुछ नहीं, ये नंबर जो अपने आप को सज धज लिया, यानी ये नंबर दरअसल टू बाय थ्री है जो मेकअप फॉर्म में यहाँ पे है, ठीक है ना, और ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये नंबर क्या फोर बाय फाइव है, समझ रहे हैं क्या। चलिए तो लिखते हैं फाइव, फाइव लिखना है बस, तो 101 बाय 150, 102 बाय 150, 103 बाय 150, 104 बाय 150, 105 बाय 150, 106 बाय 150, कितना हो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, चलो एक मिटा दो, बस ओनली फाइव लिखने बोला आपको, ठीक है चलिए इसे उतार लें। अब अगला क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम वही है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर दो और तीन आपका क्या है होमवर्क, आप खुद करेंगे। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आया तो उसे पॉज करके फिर से देखिए रिविजन करके देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कुछ क्वेश्चन हमें एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसे फिर से देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है चलिए। आई होप इंजॉय कर रहे हो आप इस वीडियो को, ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट फाइव रेशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस टू। अरे याद रहे क्या क्वेश्चन करता है, सिक्स नंबर मतलब फाइव रेशनल नंबर लिखना है, राइट फाइव रेशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस टू, बोला माइनस टू से ज्यादा रेशनल नंबर लिखो, माइनस टू से ज्यादा कितना फाइव बोला, फाइव के दो लाख बोलता लोग लिखता है इसको, ठीक है ना फाइव बोला, दो से ज्यादा हम क्या होगा माइनस वन होगा, जीरो होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर ही तो है, ये सब रेशनल नंबर है जो क्या माइनस टू क्या है ज्यादा है, ये सब माइनस टू क्या है सब ज्यादा है, ठीक है कोई दिक्कत, क्या बोला जो माइनस टू क्या हो ज्यादा हो, ये सब माइनस टू क्या है ज्यादा। अगला फाइंड टेन रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री बाय फाइव एंड थ्री बाय फोर। अच्छा फिर से हम क्वेश्चन चलो करते इसको, क्वेश्चन में सेवन बोल रहा फाइंड टेन रेशनल नंबर, अच्छा टेन कर दिया इस बार, फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाय फाइव एंड, सही लिख रहे हैं ना, एंड थ्री बाय फोर, ठीक है चलिए। तो रूल वही है, पहले एलसीएम ले लो, पहले क्या करो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है दो मिनट के थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है एलसीएम लेते हैं, टेक एलसीएम ऑफ फाइव एंड फोर, कितना हो जाएगा 20 एलसीएम आ गया, तो 20 से हमें यह मालूम हो गया कि नीचे जो है नीचे दोनों को जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है दोनों को सेम करना है, सेम कर दो कोई बात नहीं, थ्री बाय फाइव है इसे 20 कैसे होगा, फोर से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर 12 बाय 20, अगला क्या है 3 बाय 4, 5 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर 15 बाय 20, तो देख रहे इसके पीछे हमें मात्र दो मिल रहा है, मात्र हमें दो दिख रहा है लेकिन इससे काम चलेगा, हमें 10 बोला था और इसे आगे बढ़ाते हैं, 20 को हमें मल्टीप्लाई इसको करते हैं किससे 100 से, और 100 से नीचे भी करते हैं, कितना हो गया 1200 बटे 2000 हो गया,
और यहाँ भी करते हैं 100 से ऊपर 100 से नीचे, जो इसमें मल्टीप्लाई किए वही चीज इसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मेरा हो गया 1500 अपॉन 2000, है ना, कोई दिक्कत। अब 1200 से 1500 मतलब आप 300 लिख सकते हैं आप, है मोर देन 300, तो लिख दो कोई बात नहीं, लिखो ले लो 10 लिखना। पहला क्या हुआ 1200 एक बटे 2000, 1200 दो बटे 2000, फिर 1203 अपॉन 2000, 1204 अपॉन 2000, 1205 अपॉन 2000, 1206 अपॉन 2000, 1207 अपॉन 2000, 1208 अपॉन 2000, कितना 1 2 3 4 5 6 8 9 5 6 8 9, ठीक है 2 4 6 8 ही हुआ। और फिर है 12009 अपॉन 2000 और 12010 अपॉन 2000, कितना हो गया 10 हो गया। 10 के आप इसके बीच में कितना आप मतलब मान लो इसे 300 से ज़्यादा आप लिख सकते हैं इसके बीच में, ठीक है ना। तो बात पकड़ पा रहे, मेन है जब भी आपके बीच में रेशनल नंबर लिखना है तो जल्दीबाजी ना करें, बस सेम रूल है, बहुत सिंपल रूल इसका है। पहले एलसीएम बराबर कर दे, एलसीएम जब बराबर हो जाएगा था आपको क्या करना, आपको ये करना है कि उसका जो है एलसीएम बराबर के चेक करें कि इसके बीच में कितना रेशनल नंबर आ रहा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना आ रहा या नहीं आ रहा। अगर जितना रिक्वायरमेंट है वो आ रहा तो ठीक है, अगर उससे कम आ रहा तो फिर आप उसे बढ़ा लें। आप 500 से मल्टीप्लाई कर 600, आप एक बात और अपने माइंड में आप रखिएगा कि हमेशा जो है हमेशा जो रेशनल नंबर निकलता आंसर निकलता है, ये मेरा आंसर है, हो सकता है आपका आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट हो क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में आंसर कुछ भी हो सकता है ना। बात आ रही समझ में? तो क्लास तो मतलब ये 1.2 आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग इंजॉय किए होंगे। अब मेरे जितने भी दोस्त मेरे भाई बहन जितने भी हैं सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, इससे क्या होता है मोटिवेशन बनेगा, फिर मतलब पढ़ाने में मज़ा आता है ना। थोड़ा सा तबीयत ठीक मेरा नहीं है, है ना, इसलिए थोड़ा वॉइस में उतना जान नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलता है अगली क्लास में, आज के लिए इतना है, जय हिंद।